हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दि चेनेल बी एस ब्लॉग। जो ब्लॉग कैसी जो आपको होलमोल रेसिपी दिम बुली आज बतर होलमोल रेसिपी आपको आगे निश्चय भल पा अपने प्रथम शेष लेकिन चाहसन भिडिओ और बंधुस शेयर कर दी कमेन्ट जुगे जाना के पाले लाइक कर सबसक्राइब कर नपहरते बेल आइकन तो दबा थोड़ा भिडिओ दियारे नोटिफिकेशन जा यह इनग्रीडियंट्स रेडी ललो चाकसन इलाची दालचेनी शुकान जलकिया निमख आदा नहरु पिसी लैसो प्याज काटि ललो जालुक आजवाइन पाँचफोरण एनेके सकलोखिनि रेडी करि लैसो माछ बाछि लैसो मूला काटिसो मूला मय एतु साइजत कुनतु साइजत काटिसो साबसन एनेदरे काटिलो भाल लागे। होल मासर अलग पीस तो सर कर भल लगे अलग सर कर अवश्य मैं मास तो बचा ना दे सचा कथा कैसा आम गाड़ी मानु बाचि थ गल मूला तो यह सज कटि मैं पीसकटा सर कर ललो होल मास तो पीस तो सर हम भल लगे लफा शाक लफा तो भल लगे न सीजन में लफा तो खा लगे पालेंग लफा बहुत प्रोटीन पा जाए इतना सकोखिन मसला दीदे भाजी आसो जैसे तल तो मसला खि भाजी भाजी तल तो धुनिया को ऊल तब लगे सब्जी इतना दीसू जालुक गोटा जालुक तो पिछले एलह लगिले निपिशिल दिल गुड़ जालुके दिल मसला खिनि भाज खाइछे धुनिया को एतिया इया दिदि मूला खिनि आरो अकमान तेल दिदिसु तेल ढेर खाले स्वास्थ्य कारणे भाल नहय नहने तेलो ढेर खाब ना लागे ठीक के उटुवाय बुवाय बनाय कोनो लाभ नाय जेने रे बनाले स्वास्थ्य कारणे भाल हय हे मते खाब लागे आजकालि दिनत बहुतो रोग व्याधि भरा निचिना नए रंधा बढ़ा करते आम अलग चाय चिटी रांध लगे खा बुआ करो चाय चिटी खा लगे नहने मूला खि दीसूँ एनेदर पानी पर टुक और डायरेक्ट आको टुक थे न धुनिया को भाजी आसो सब्जी विलाही डांगर साइज विलाही एटा काटि लैछो पिसी मिली दिले तो भाले लगे किनो हिजिए जाए कि पिसी थाकिबो ए कारणे अकमान एनके हाते भांगी मुहाई लै दि दिसु धुनिया को लराय लराय भाजी आसो म मास फ्राइ कराय नाय जानेने एनेदरे बना क्या जाने ना मूल काहित हम एनेदरे तो चाहसन मैं केसिस्टेम तो निरामिष खा मानु थे एनेदरे अलग सुविधा हम चाहसन मैं के धनिया दिल एकते हो जा हल नाखाले तो मल तो खापा जा मैं कि सिस्टेम करलो तेनेदरे आगत सब्जी बना आसो मूले काहि थोड़ा पास माँ दीम माँ फ्राई करम हे इतना करा ना माँ फ्राई कर सेलो फ्राई कर माँखिन बहुत बेसि हेरी लाभ ना इतना उतलि सब्जी तो तार मूले काहि थे माछ दी दिम एतिया डिसेम्बर माहत के बछर तो जो बस पिकनिक नहले नहने दुबछर मान तेनेके गई आछे ए बछर तो पिकनिक राइजे ओलाइछे सकलोय खोआ हब सगे निश्चय
ভগবানে এতিয়া ভালে কুশলে যোৱালে হয় আৰু দিনবিলাক, সেয়েহে ভগৱন্তৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা। এই আমোলা কাঢ়ি ৰাখিলোঁ এনেদৰে, এনেকৈও বহুত টেষ্ট লাগিছিল। নিৰামিষ এনেকৈও জোল কৰি বনালে ভাল লাগে, চাব ট্ৰাই কৰি। এতিয়া উতলাই দিম পূৰা, এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে ৰংটো। আৰু অলপ উতলাব লাগিব, কাৰণ মাছটো দিয়া দেৰি হৈছে যে, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ উতলাই দিলে বেছি ভাল হ'ব। এয়া হৈ গ'ল, চাওক কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। কালাৰটো দেখিলেই খাবলৈ মন যোৱা নিচিনা হোৱা নাইনে বাৰু? এয়া এইটো শ'ল মাছৰ কলঠি, পিচখিনি এনেকৈ পাতলকৈ কৰিলোঁ আৰু। এয়া চাওক কালাৰটো, এনেদৰে বনাই খাব, কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, বন্ধুসকললৈও শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকৰ সঁহাৰি অবিহনে একো নাই। এয়া এনেদৰে খোৱা হ'ল, শ'ল মলৰ তৰকাৰী দি খাই ভাল পালে। বতৰৰ শ'ল মল খাব এনেদৰে এসাঁজ। এসাঁজ বুলি নহয় আৰু, প্ৰায়ে খাই থাকে নহয়নে, কথাটো কৈছোঁ এসাঁজ।